नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी गाइड नंबर 1 पर। आज हम जानेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी के राजनीति गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ होम। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता था धर्मचक्र प्रवर्तन। किस वेद की रचना गद्य पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खां। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनवान महायान में बट गया था? कनिष्क। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्र। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक। ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल या परिवार। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब। शहीदे आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? भगत सिंह। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजा राजनेता की मृत्यु हो गई? लाला राजपत राय। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर। कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ब्योमेन चंद्र बनर्जी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारत नाटकम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? चिदंबरम। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? पाली। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश। लीलावती पुस्तक किसने लिखी, किससे संबंधित है? गणित से। पहाड़ी काटकर अलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट ने। चीनी यात्री हैन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। लंदन में इंडिका हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? जौनपुर। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? पुलकेशिन सेकंड। मोहम्मद गोरी ने 1992 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क।
गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था सिकंदर लोदी? वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत ने ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? चौथ। जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से मिली गई है? मुंडकोपनिषद। बक्सर के युद्ध में 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम। भारत में सर्वप्रथम मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टेरियन। अशोक के धर्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? राहुलोवांत सूत। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।